नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित मिश्रा और आज हम आपको बताएंगे कि क्या लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई अब किसी को भी धमकी दे सकता है। क्या लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता है? क्या अब हमारी सरकार लॉरेंस बिश्नोई का कुछ नहीं कर सकती? वेल, जो इस समय परिस्थिति बनी हुई है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता। जो भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोलेगा उसको लॉरेंस बिश्नोई किसी न किसी प्रकार से धमकी जरूर देगा। अगर वो धमकी नहीं देगा तो उसके गुर्गे जरूर धमकी देंगे। वेल, ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार के 7 बार के सांसद पप्पू यादव के बारे में, जो निर्दलीय विधायक 7 बार से जो है जो निर्दलीय सांसद 7 बार से हो रहे हैं सॉरी 7 बार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगर मुझे सरकार इजाज़त दे तो मैं लॉरेंस बिश्नोई जैसा सड़क छाप गुंडे गैंग को 2 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद से पप्पू यादव को लगातार धमकी दी जा रही है। वेल, आपको बता दें, एक व्यक्ति को इसमें हिरासत में भी लिया गया है, जो कि उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अब देश में कोई नहीं बोल सकता? वेल, आपको बता दें, जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है वो महेश पांडे नाम का व्यक्ति अभी पुलिस के हिरासत में है। उसने अपनी साली के नंबर से जो है कॉल किया था पप्पू यादव को। उसकी साली UAE में रहती है, दुबई में। वहाँ का कंट्री कोड है 97 और उसने जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5013387766। इस नंबर से पप्पू यादव को उसने कॉल किया था। आपको बता दें, इसके बाद पप्पू यादव का पूरा बात करने का तरीका ही बदल गया है। जो पप्पू यादव हमेशा दहाड़ते रहते थे उन्हें जो है एकदम भीगी बिल्ली की तरह बात करते हुए नज़र आए। आपको बता दें, पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को एक बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें, बीते दिन अभी पप्पू यादव मुंबई गए हुए थे सलमान खान से मिलने के लिए। उन्होंने सलमान खान से मिलने के लिए इसलिए गए थे क्योंकि वो सलमान खान को आश्वासन देना चाहते थे कि उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल एकदम सख्त है, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। वेल, आपको बता दें, अब पप्पू यादव खुद सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, तो अब लोग पप्पू यादव पे काफ़ी ज़्यादा मीम्स बना रहे हैं। आपको बता दें, पप्पू यादव को Y कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन अब पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को खुद से चिट्ठी लिखकर जो है अपनी सिक्योरिटी को Y कैटेगरी से बढ़ाकर Z कैटेगरी की करने के लिए पप्पू यादव ने कहा है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी हत्या की जाती है तो इसकी सीधे सीधे जिम्मेदारी सरकार की होगी, अगर मुझे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को होगी। अगर मेरी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई जाती है और मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वेल, इस पर पलटवार करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अब ये देश में एक मुद्दा सा बन गया है, ये देश में एक ट्रेंड सा बन गया है कि कोई भी उठता है, किसी भी जो है परिचित व्यक्ति को गाली देता है या किसी भी बड़े कुख्यात अपराधी को गाली देता है और उसके बाद सरकार से ही कहता है कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो है पप्पू यादव पे निशाना कसते हुए ये बात बोली कि मैं तो इस बात के पक्ष में हूँ, जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत तौर पर निंदा करता है उसकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ानी चाहिए। मैं इस बात को सदन में भी उठाऊंगा और मैं इस बात के पक्ष में हमेशा रहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी की किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत तौर पर निंदा करते हैं तो आप उसके स्वयं हकदार हैं, आप उसका पलटवार करने की क्षमता स्वयं रखिए, आप उसके सरकार के भरोसे मत रहिए, क्योंकि सरकार किस किस को सुरक्षा देगी? अगर आपको इतनी ही सुरक्षा का डर है तो आप सामने मत आइए, आप ऐसे ट्वीट मत करिए, ऐसे ट्वीट से बचिए। वेल, इस पप्पू यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि जो है मैंने जो ट्वीट किया था वो मैंने सरकार के सपोर्ट में किया था और सरकार का काम ही है कि हर देश के नागरिक की सुरक्षा करना। वेल, आप लोगों का इस पर क्या टेक है? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या पप्पू यादव को सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह ने ठीक कहा या लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो ठीक है? वेल, अब ये मुद्दा भी देश में काफ़ी बड़ा हो चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या ये ठीक है, क्या लॉरेंस बिश्नोई का जो है ये इस तरह का जो है माहौल देखकर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, ये ठीक है? क्या लॉरेंस बिश्नोई को सरकार का संरक्षण प्राप्त है? अब तो ये सवाल भी उठने लगा है। वेल, पप्पू यादव ने कहा है अगर मेरे साथ कुछ होता है तो वो सीधा सीधा सरकार पे आरोप जाएगा। वेल, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।
और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।